मगर आप अभी ना वी हैड रिसेंटली हाल ही में हमने देखी गली बॉय रैप सीन इंडी रैप एंड ऑल बट व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक ऑफ द इंडियन रैप सीन देयर बीन पीपल लाइक यू देयर वर पीपल बिफोर यू देयर पीपल गली बॉय जो चीज लेकर आई है वो प्रॉपर हिप हॉप है और वो बहुत अच्छा हिप हॉप है और वो किसी वक्त पे एक्सेप्ट करना मुश्किल था लेकिन इस फिल्म की वजह से वो काफ़ी नए लड़कों को अच्छा मौका मिला कि वो प्रॉपर रैप सीन को आगे लेकर आए सो बहुत अच्छी बात है वो बहुत अच्छी बात है इनफैक्ट दिस अ गाय विवियन डिवाइन आई नो हिम फ्रॉम माय अदर फ्रेंड सो मैंने उनको देखा 4 साल पहले वो लोग कितना स्ट्रगल कर रहे थे अंडरग्राउंड हिप हॉप को बड़ा करने के लिए और उनको फाइनली ये मूवी मिली और मूवी ने बहुत हेल्प करी उनकी और उन्होंने मूवी की हेल्प करी अगर उन लोग नहीं होते तो मूवी बनती नहीं तो इस टाइम हिप हॉप सीन अगर मुझसे पूछो तो बहुत अच्छा जा रहा है तो सर आजकल रैप नू लैके बहुत एवोल्यूशन आ रही है ना आप गल करिए तो रियलिटी शोज बन रहे हैं तो ऐसा कुछ थोड़े माइंड में आता हो सारे माहौल में देख के क्योंकि जब तुसी आए सी ये बहुत नवा दौर सारे नू लगता कि मैं रैप आर्टिस्ट हाँ मैं हिप हॉप आर्टिस्ट हाँ एक्चुअली मैं पॉप तो हिप हॉप नू ब्लेंड करता तो कई गाने तुम मेरे सुनोगे जिस मैं गाया मैं उस रैप भी किया तो प्रॉपर लिरिकल रैप इज नॉट माई गेम इज नॉट आई डोंट लाइक दैट मतलब मैनू पसंद है बट मैनू वो करना पसंद नहीं बट हुन एवोल्यूशन बहुत अच्छा आ गया कि लिरिकल हिप हॉप बहुत वड्डे लेवल पर पहुँच गया स्पेशली मूवी गली बॉय तो गली बॉय वाले जो बाकी आर्टिस्ट थे जो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे विवान डिवाइन और काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे एमी वे इज अमेजिंग आर्टिस्ट सो फनी एंड लिरिकल इज क्विक हुन दौर काफ़ी चेंज हो गया तो बहुत अच्छा दौर चेंज हुआ है